हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर टू क्लास ट्वेल्थ का पोल साइंस का, जिसका नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये वीडियो का पार्ट फोर्थ है और वन टू थर्ड पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बॉक्स में दे रखा है, तो पहले वो जाकर देखना यार, क्योंकि ये चैप्टर मैंने एक स्टोरी के वे में समझाया है। तो अगर आपने वन टू थर्ड पार्ट नहीं देखे तो आपको फोर्थ पार्ट समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। ओके, इस वाले पार्ट में मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करी है। एक तो मैप, भारत और यूएसएसआर या पूर्वी साम्यवादी देशों से कैसे रिलेशन थे भारत के, और जो सबसे मेन है वो गैरेज सेल के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ेंगे इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो ट्राई करना यार, बुक भी पढ़ो साथ में, क्योंकि बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों को पता चलेगा कि आंसर किस वे में, कितने अच्छे वे में लिखना है, या आपको बुक अच्छे से समझा सकती है। ठीक है, तो बुक ज़रूर पढ़ना। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, गैरेज सेल देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि शॉक थेरेपी के आने की वजह से जो यूएसएसआर को क्या किया गया था, उसमें बदलाव किया गया था। पहले जो वो साम्यवादी देश था उसको पूंजीवाद की तरफ ट्रांसफॉर्म होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए बोला गया था। और उसमें क्या हुआ था, जो पहले गवर्नमेंट के हाथों में थी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ, अब उसको प्राइवेट हाथों में बेचने के लिए बोला गया था। और जो ये जो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन थे, संस्थाएं थी, बहुत ही कम दामों पर खरीदा गया उनको। इसी वजह से इसको विश्व की सबसे बड़ी गैरेज सेल कहा जाता है। 90% उद्योग थे वो अब निजी हाथों में चले गए थे और बहुत ही कम दामों पे इसे खरीदा गया था। ओके, तो अब ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई थी, मतलब गैरेज सेल की स्थिति, यानी इतने कम दामों पे क्यों खरीदा गया था, इसका कारण होगा वो, आइए वो कारण भी देखते हैं। ओके दोस्तों, ये गैरेज सेल की जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वो इसलिए उत्पन्न हुई थी क्योंकि जब ट्रांसफॉर्म करा गया था, तो जब गवर्नमेंट संस्थाओं को, जो सरकारी संस्थाएं थी, उनको जब बेचा जा रहा था, तो बोली लगाई जा रही थी इन पे। और बोली में यूएसएसआर के हर पर्सन को एक आमंत्रण पत्र दिया गया था कि आप उस सभा में आओ जहाँ पर नीलामी लग रही है, और आप भी नीलामी लगाओ, नीलामी में सहायता करो और आप भी बोली लगाओ। बट जब ये नीलामी हो रही थी, तो इनको जो आमंत्रण पत्र दिए गए थे जिससे एंट्री होनी थी, तो उन लोगों ने, यूएसएसआर के लोगों ने क्या किया, उनको कालाबाजारी में बेच दिया। और वो पत्र ऐसे लोगों को बेच दिया जिनको यूएसएसआर के बारे में, यूएसएसआर की संस्थाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और वो जाकर उस वहाँ पर बैठ गए, बोली लगाने बैठ गए, और उन्होंने इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो अरबों करोड़ों के थे, उनको बहुत ही कम कीमतों पर खरीद लिया, जो सिर्फ करोड़ों या लाखों में खरीद लिया, जिससे यूएसएसआर का वैसी ही हालत और ज़्यादा ख़राब थी और ज़्यादा हो गई। ठीक है, और लोगों ने ऐसा क्यों किया था, कालाबाजारी में क्यों बेचा था, क्योंकि यार लोगों की पहले ही स्थिति खराब थी, और रूबल जो कि यूएसएसआर की करेंसी थी, अब वो भी डाउन होना स्टार्ट हो गई थी, और लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, तो इसलिए उन्होंने कालाबाजारी में ये अपना आमंत्रण पत्र बेच दिया। और एक और बात यार, जो मैं स्क्रीन पे दिख रहा हूँ उसको लिखते भी जाया करो, आपको नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अब आइए यूएसएसआर या भारत कह सकते हैं, भारत और यूएसएसआर के रिश्ते या पूर्वी साम्यवादी देश और भारत के रिश्ते देखते हैं, कैसे थे या अभी कैसे हैं, अभी और मतलब कैसे थे पहले और आज भी कैसे हैं वो देखेंगे। तो पूर्वी साम्यवादी देशों से यार भारत के रिश्ते, फर्स्ट पॉइंट है कि हमेशा से अच्छे रहे हैं, बट रूस से हमारे रिश्ते मतलब खास तौर पर ज़्यादा अच्छे रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि दोनों देशों का सपना था कि बहुध्रुवीय विश्व बने, यानी किसी एक बंदे के हाथ में पावर ना रहे, किसी एक बंदे या किसी एक देश के हाथ में पावर रहेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये था कि दोनों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था। तीसरा ये था कि हमने बहुत सारे 2001 में भारत और रूस द्वारा द्विकोशीय समझौते पर, द्विपक्षीय समझौते पर, ये ध्रुवों से, द्वीप से रिलेटेड था, उससे हमने समझौते किए थे, हस्ताक्षर किया था 2001 में। ठीक है, चौथा पॉइंट है भारत रूसी हथियारों का खरीदार है। ठीक है, भारत रूसी हथियारों को बहुत ज़्यादा हथियार इंपोर्ट करवाता है रूस से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है भारत से तेल भी, जो रूस से तेल भी आयात करवाता है भारत, तो इससे भी देख सकते हो आप, हम उसी कंट्री से चीज़ें मंगाते हैं जिससे हमारा रिश्ता अच्छा हो। अगर हम देखा जाए, हम पाकिस्तान से इतना नहीं इंपोर्ट करते क्योंकि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है परमाणिक, जो परमाणिक या कह सकते हैं जो आणविक योजना थी, जो अंतर्राष्ट्रीय योजना में भी रूसी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो रूस है वो हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के साथ ऊर्जा आयात को बढ़ाने की भी कोशिश की गई है। ठीक है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा, ये कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान भी, जो कि एक तरह से पूर्व साम्यवादी देश ही हैं, उन्होंने, हम उनसे भी बहुत सारे ऊर्जा यानी ये तेल वगैरह भी इम्पोर्ट करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, चले आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी, कैसे, और जो रूस है वो हमारी कैसे हेल्प करता है। तो
तो आप देख लेते हैं कि रूस ने भारत की किस किस तरह से किन किन क्षेत्रों में मदद करी है। ओके, तो भारत कैसे कैसे हेल्प करता है, यूएसएसआर कैसे कैसे, जो रूस है कैसे कैसे हेल्प करता है भारत, क्या ये देखते हैं। तो पहला है कि हथियार एवं सैन्य उपकरण, यानी जो भारत है वो रूस से बहुत ज़्यादा सैन्य उपकरण यानी हथियार वगैरह आयात करता है, तो इसमें बहुत बड़ी हेल्प करता है रूस हमारी, हमें हथियार वगैरह देखे। सेकेंड पॉइंट है तेल और ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर को अब हटा देते हैं हम क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, जो रूस है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तेल के संकट, जब तेल की घड़ी में बिल्कुल ही तेल मिलना मुश्किल था तब भी भारत की उसने हेल्प करी थी उसको बहुत संकट की घड़ी में तेल देकर। ठीक है, तीसरा है परमाणु ऊर्जा, रूस भारत के परमाणु योजनाओं में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार सहयोग देता है, और परमाणु बिजली घरों में विकास वगैरह के लिए जो रूस है वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। चौथा है अंतरिक्ष उद्योग में भी, अगर हम बात करें जो यूएस जो वार जो उसकी रशिया की जो जो संस्था है जो कि उसके बारे में देखती है, अंतरिक्ष वगैरह के, स्पेस वगैरह के बारे में देखती है, वो भी इसरो की बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये था फोर्थ पॉइंट। और फाइव पॉइंट है, अगर देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये, कश्मीर के मुद्दे में भी जो रशिया है वो सिर्फ हमारा सिर्फ साथ नहीं देता, हमारे लिए बोलता है, बल्कि हमारे लिए बोलता भी है। जो रूस ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ ही नहीं दिया, अपितु एक अच्छे मित्र की भांति उसके साथ 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 खड़ा रहा है। तो ये पांच बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे ये दिखाता है कि रूस ने भारत की कैसे विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में मदद करी है। ठीक है, और ये इंग्लिश की बुक में देखना चाहो तो बिल्कुल चैप्टर के ख़त्म होते ही लेफ्ट हैंड साइड पे कोने पे चार पांच पॉइंट लिखे हुए हैं, वो इंग्लिश में है और हिंदी में भी है, तो आप उसमें से देखकर भी लिख सकते हो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भारत और यूएसएसआर के रिश्ते इस चैप्टर में। ओके, तो देख लेते हैं यार इस चैप्टर में मैप कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, तो मैप में सबसे इंपॉर्टेंट है पहले तो जो यूएसएसआर के मेन टुकड़े हुए थे तीन, कौन कौन से, रूस, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो यूएसएसआर जिनमें टूटा था। उसके बाद एक जो दे रखा है ये है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है ये देखना। और नेक्स्ट है कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था जो नैम का एक देश था, यूगोस्लोवाकिया, स्लाविया, जो यूगोस्लाविया था उसके भी चार टुकड़े हो गए थे, कौन कौन से, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, हर्जे गोविना और नोरिसिया, ये चार हिस्से थे, एक, दो, तीन और चौथा। ठीक है, ये चार हिस्से हुए थे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो यार ये कर लेना। ठीक है, यूगोस्लाविया के चार टुकड़े हुए थे, दोबारा से बता रहा हूँ, बोस्निया, हर्जे गोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया, ये चार इम्पॉर्टेंट है जिसमें जो यूगोस्लाविया था टूटा था इन चार हिस्सों में, और रूसी संघ, बेलारूस और यूक्रेन, और बाकी है तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। तो इस चैप्टर में यही मैप इंपॉर्टेंट है जो मेरे को लगे तो मैंने आपको बता दिए। ओके दोस्तों, जो चैप्टर है वो यहीं पर ख़त्म होता है, तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जितना हो सके शेयर करना, और सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन ज़रूर दबा देना, तो अगर मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और यार ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर को ज़रूर पढ़ना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर पढ़ना भी आपको बेसिक बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी पता चलेगी जो शायद कोई भी आपको यूट्यूब पे कवर नहीं करवा पाएगा, तो एक बार चैप्टर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं जितनी जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा। और यहाँ पर आपको एक वीडियो दिख रही होगी तो दैट इज़ आर्ट ऑफ मैजिक की, तो वो ज़रूर देखना। ठीक है, ये चैनल पे जाके उनके, तो वो बहुत अच्छी वीडियो है। ओके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।